कहाँ मर गया ये राजन। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। साला कहाँ मर जाता है। क्या 11 बज गए? भाई कोई है? कोई है? करूंगा सबकी रक्षा, मेरे होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं करूंगा सबकी रक्षा। मेरे होते हुए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं करूंगा इन सब लोगों की रक्षा, मेरे होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं। सच में तुम्हारे होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं, तुम ही डरोगे सभी के हिस्से का। बाहर आ जाओ, भूत नहीं हूं। हाँ।
पागल है क्या? पागल नहीं हूं मैं। देख सीधे सीधे बता दे तू कौन है, नहीं तो एक दूंगा कान के नीचे खींच के, भूल जाऊंगा कि तू कोई भूत भूत है। भूतों की बहुत इज्जत करते हो, इंसान के बारे में क्या ख्याल है? इंसानों वाली कोई हरकतें तो करो। ये कौन सी इंसानों वाली हरकतें हैं? अरे लक्ष्मी, तू लक्ष्मी, पर तुम इतनी रात गए इस बंद होल में कैसे? इतना क्यों हैरान होकर पूछ रहे हो? तुम भी तो हो यहाँ रात को बंद हॉल में। बताओ चोरी वोरी करनी थी क्या? चोरी? और यहाँ ये कुर्सियां, ये कपड़े, ये कचरा, ये खुद यहाँ से बाहर भागना चाहते होंगे। डायलॉग? डायलॉग नहीं रे, तुम बताओ, क्योंकि मैं तो अक्सर ही रात को यहाँ रह लेती हूँ। मेरे अलावा पहली बार कोई और यहाँ रुका है, और वो हो तुम। तुम्हें भी बाहर से डर लगता है? डर? किस बात का डर? खुद का डर, इंसानों का डर, रात में रास्तों की खामोशी में किसी की वासना के शोर का डर। डायलॉग? नहीं, डायलॉग नहीं है। तुम्हें नहीं लगता देर रात बाहर निकलने से डर? बाहर से नहीं, अंदर से डर लगता है। घर के अंदर बैठी लाचार माँ और भाई बहन की आंखों से डर लगता है, भूख से, लाचारी से। और फिलहाल तो इसके अंदर रह जाने से बड़ा डर लग रहा है मुझे। कैसे रह गए अंदर तुम? सबका हुक्म मानते मानते थक गया था, और फिर कब थकावट से नींद का हुक्म चल गया पता ही नहीं चला। तुम्हें अभी भी नींद आई है? तुम रोज रात को यहां रहती हो? नहीं, जब कभी ज्यादा अंधेरा हो जाए। तुम्हें यहां अकेले डर नहीं लगता? ये द्रौपदी की साड़ी है ना? नहीं, अकेले कभी डर नहीं लगता। चलो, जागने से तो रात बहुत लंबी लगेगी। मैं जा रही हूं सोने, और तुम भी जाओ अपनी जगह पर। नहीं नहीं नहीं, सुनो लक्ष्मी, मुझे अब यहां नींद नहीं आएगी। तो ठीक है, तुम अपने अंदर का हीरो जगाओ, वो रक्षा करने वाला। ये सारी स्टेज तुम्हारी। और ये कुर्सियां तुम्हारी दर्शक। मैं जा रही हूं, मुझे तो सोना है भाई। रुको रुको रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। सुबह बताना है आइडिया, जल्दी बताओ। हम नाटक खेलते हैं। कितनी नई चीज बताई तुमने राजन, बकवास आइडिया, दिमाग पक जाता है रोज देख देख कर। मान जाओ ना लक्ष्मी, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं कुछ किरदार करता हूं, मजा आएगा।
तुम्हारी रात कट जाएगी और मेरा एक्टिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा। प्लीज 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 चलो ना, मजा आएगा। अच्छा बाबा चल। लक्ष्मी, लोगों का दिन खराब आता है, तेरी रात भी खराब है आज। खराब रात नहीं, यादगार रात होगी तेरी, धन्य हो जाएगी मेरी कला देखकर। बताओ बताओ किसकी एक्टिंग करूं? किसी की क्या, खुद की एक्टिंग कर। अरे पागल है क्या, मेरे लिए किसी ने कोई भूमिका थोड़ी लिखी है, मैं तो किसी और की ही एक्टिंग करूंगा। चल फिर उमा मैडम की एक्टिंग कर, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। लक्ष्मी जी, किसी आदमी का किरदार दिमाग में नहीं आया क्या? हे राजन, एक्टर हो तुम, कला दिखाने की बात की है तुमने, अब पीठ मत दिखाओ। पीठ नहीं दिखा रहा। अभी आता हूं। ये क्या? उमा मैडम। हाँ चल ठीक है, शुरू कर। हमारे संस्कार हमें इजाजत नहीं देते, हमारे लिए हर मनुष्य एक समान है। बराबर है हमारे लिए सब। अरे क्या हुआ? कितना फर्क है कलाकार और कलाकारी में। कभी सुना था अच्छा इंसान अच्छा कलाकार होता है, पर यहां तो बहुत कम अच्छे इंसान देखने को मिले। मुझे लगता है कलाकार को सिर्फ कलाकारी की लत होनी चाहिए, लेकिन इन्हें तो बदजुबानी की लत है। उमा मैडम संस्कारों की भूमिका निभाती हैं और चिल्ला कर कहती हैं, ए राजन कहां मर गया रे? और फिर नशे की लत, ए राजन सिगरेट ला, दो खून डाल गिलास में। एकदम से बड़ी घृणा हुई लक्ष्मी, मैं नहीं करूंगा किसी और की एक्टिंग, मैं अपने जैसा हूं, मैं अपनी एक्टिंग करूंगा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। मैं पुरुष, अर्ध नारेश्वर, परमेश्वर, एक अग्नि हूं, लग्न किसी धुन में हूं मग्न।
मैं शोर नहीं हूं गाली का, मुझे भी हक है ताली का। बेबस को दबाऊं वो जोर नहीं हूं, चोर नहीं हूं मैं, जो खुद ना खाऊं वो बेच नहीं सकता। मैं दिलों से खिलवाड़ कभी देख नहीं सकता, मैं निराकार को आकार करता हूं, फिर कलाकार बनता हूं। मैं मती से बुद्ध हूं, किरदार निभाऊं कैसा भी, आत्मा से शुद्ध निराकार आकार कलाकार। और फिर पर्दा गिरता। ये पर्दा सिर्फ रस्म निभाता गिरेगा राजन, तुम तो पर्दा हटाने के लिए आए हो, कहाँ थे अब तक? ये तुमने लिखा है? हाँ, 12वीं पास हूँ और कविता लिखने का बड़ा शौक है मुझे, जो मन में आया वो लिख दिया। और क्या कमाल लिखा। सुबह हम अपने मैनेजर जगन्नाथ से बात करेंगे, तुम्हें नाटक में लेने के लिए कहेंगे। हाँ देखना, बहुत तरक्की करोगे तुम, बहुत। सुबह होने वाली होगी, चल अपनी अपनी जगह जाकर छुप जाते हैं, सुबह चुपके से निकल आएंगे बाहर। तेरी जिंदगी में भी नई सुबह होगी कल, देखना। और हाँ, बड़ा कलाकार बनकर भूल मत जाना। और हाँ, सच्चा कलाकार बनना, लोग देख रहे होंगे तुम्हारी तरफ। ओ राजन, हरामी रात को इधर ही मर गया था क्या? चलो पर्दा गिरा। सेठ जी, मैं भी नाटक में काम करना चाहता हूँ। साले शक्ल देखी है अपनी, एक रात स्टेज पे क्या सो गया तो कलाकार हो गया। दिमाग मत खा वरना काम से निकाल दूंगा, और कलाकारी तेरे बस की बात नहीं। चल पर्दा गिरा।